अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रमेश अनवर है और जैसे कि आपको बताया कि हम एम कैट रिव्यू बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैं दो वीडियोस डाल चुका हूँ जिसके अंदर हमने 2/3 जो है वो चैप्टर कवर कर लिया है। ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, ये बहुत फास्ट रिव्यू है, क्विक रिव्यू है, इसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस हमने ये देखना है कि किस टॉपिक के अंदर क्या बातें इंपॉर्टेंट है या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, या जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो वो किन कौन सी बातें हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है टेस्ट के हवाले से। तो हमारे पास ये टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि डायग्राम के दोनों डायग्राम जो है ये आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए, बिकॉज बुक की डायग्राम उठाकर दी जा सकती है और आपको लेबल करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये जो जो नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये नाम आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। ये मसल है डायफ्राम, ठीक है, जो डिवाइड करता है कैविटी को, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। इसका मतलब ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये किडनीज हैं दो, राइट और लेफ्ट किडनी। उसके बाद किडनी से निकलने वाला जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है, ये यूरेटर कहलाता है। तो किडनीज भी दो हैं और यूरेटर भी दो हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है कि कौन से यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो पेयर के अंदर हैं। तो पेयर के अंदर यानी जोड़ियों के अंदर किडनीज आती हैं, बीन शेप ऑर्गन किडनीज आती हैं, और पेयर ऑफ डक जो कि इससे निकलती है, किडनी से जो पाइप निकलता है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। उसके बाद के जो दो ऑर्गन्स आते हैं वो सिंगल सिंगल हैं, लाइक ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एक है, और इसके बाद जो पाइप निकल रहा है जिसका नाम है यूरिथ्रा, जिसके थ्रू ये यूरिन बॉडी से बाहर जाता है, ये भी सिंगल है। तो ये दो ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये पेयर के अंदर मौजूद है, जोड़ी के अंदर मौजूद है, और ये जो दो नीचे वाले स्ट्रक्चर हैं ये अलग अलग मौजूद हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये एक अदद स्फिंक्टर मसल मौजूद होता है ब्लैडर के बिल्कुल एंड में, जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है। इन सब के फंक्शंस भी आपको लाजमी पता होने चाहिए, जैसे कि किडनी का फंक्शन जो है वो है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन बनाना, ये किडनी की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद इस पाइप का फंक्शन है यूरिन को यहाँ से लेकर ब्लैडर के हवाले करना, ब्लैडर का फंक्शन है स्टोर करना, और यूरिथ्रा का फंक्शन है बाहर लेके जाना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस स्फिंक्टर? स्फिंक्टर वाल्व जो है ये बेसिकली एक कंट्रोलर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ब्लैडर को बंद करके रखता है कब तक, जब तक कि अवेलेबिलिटी ना हो बाथरूम की। दैट इज़ वाई आप हर वक्त यूरिन पास नहीं कर रहे होते। अगर किसी का ये स्फिंक्टर ख़राब हो जाए तो उनके अंदर इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक पेशेंट है कि जिसकी कोई सर्जरी हुई एब्डोमिन की, लोअर एब्डोमिन की कोई सर्जरी हुई और उसके बाद उसे इनकॉन्टिनेंस हो गई, यानी यूरिन लीक होना स्टार्ट हो गया, तो क्या मसला हो सकता है, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर मसला हो सकता है? तो इस स्फिंक्टर वाल्व के अंदर जो है वो इशू होगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी के ऊपर एक अदद ग्लैंड मौजूद होता है जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक तो ये टाई करता है इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 3 के साथ, सेकंड इससे हार्मोन जो निकलते हैं वो किडनी के ऊपर वर्क करते हैं, नेफ्रॉन के ऊपर वर्क करते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद आपको दो पाइप नज़र आ रहे हैं, ये आप याद रखें ना रखें, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक एओर्टा है जिससे आर्टरीज निकलेंगी, और एक वीना केवा है जिसके अंदर रीनल वेन जाएगी। रीनल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है ब्लड, और रीनल वेन इससे वापस लेके जाती है। ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये किडनी का कट सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए जो आउटर रीजन आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये लाइट नज़र आ रहा है, बट जबकि एक्चुअली बाहर वाला रीजन जो है ये डार्क होता है, दिस इज़ नोन एज कॉर्टेक्स। और उसके बाद जो इनर रीजन होता है जो कि ये तिकोन पिज़्ज़ा के स्लाइस के जैसा नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मेडुला। और इस मेडुला के अंदर, ये पूरा मेडुला है, इसके अंदर जो ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर है ये पिरामिड है। तो ये सारे नेम्स जो हैं ये आपको बताने चाहिए। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर ये पिरामिड सारे के सारे खुल रहे हैं, ये पिरामिड यहाँ खुल रहा है, ये पिरामिड यहाँ खुल रहा है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये कहलाता है पेल्विस। सारा का सारा यूरिन जो ड्रेन होता है वो यहाँ पर होता है। तो ये कुछ बातें हो गई। अच्छा, अब आ जाएं आगे, दिस इज़ अनदर डायग्राम। तो देखें ये रीनल आर्टरी है। अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि रीनल आर्टरी पीछे से कहाँ से आ रही है? तो ये एओर्टा से आ रही है, ठीक है। सिमिलरली ये रीनल वेन है, अभी आगे कहाँ जाएगी? तो ये वीना केवा के अंदर जाएगी, जो कि ब्लड को लेकर जाएगा, ये वाला पाइप ब्लड को लेकर जाएगा हार्ट के अंदर। ये आउटर रीजन है कॉर्टेक्स, ठीक है। ये पूरा आउटर रीजन जो है दिस इज कॉर्टेक्स, एंड दिस इज द इनर रीजन विच इज कॉल्ड मेडुला। अच्छा, किडनी की अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है? साइज वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, किडनी की जो कवरिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। व्हाई दिस कवरिंग इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस कवरिंग को लेकर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो मैं 3 चैप्टर्स को एक साथ जो है वो टाई कर सकता हूँ। एक मेरा चैप्टर ये है होम्योस्टेसिस, एक चैप्टर आपका होगा 13 चैप्टर जिसे आप कहते हैं गैस एक्सचेंज वाला फर्स्ट ईयर से, और एक चैप्टर होगा 14 चैप्टर जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। क्या सवाल पूछूंगा मैं आपको 3 ये लेयर्स के नाम दे दूंगा। एक हो गई पेरिटोनियम, ठीक है। एक हमारे पास हो गई पेरिटोनियम, एक हमारे पास हो गई जिसे आप कहते हैं प्लूरा, और एक हमारे पास हो गई पेरिकार्डियम, ठीक है जी। और मैं आपको 3 ऑर्गन्स के नाम दे दूंगा। एक हमारे पास हो गया हार्ट,
एक हमारे पास हो गए लंग्स और एक हमारे पास है किडनी, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन है जो किस ऑर्गन को कवर करती है, किस ऑर्गन के ऊपर लगी हुई होती है। तो पेरिटोनियम जो है ये किडनी के ऊपर है, प्लूरा जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर लंग्स के ऊपर, और जो पेरिकार्डियम है ये डबल मेम्ब्रेन होती है किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो किडनी के ऊपर एक कवरिंग है, किडनी के ऊपर एक ऑर्गन एक एड्रेनल ग्लैंड मौजूद है, ठीक है, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। रीनल आर्टरी जो कि एओर्टा से आती है, रीनल वेन जो कि उसमें जाती है, वीना केवा में जाती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, लंग्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि जहाँ से ब्रोंकाई एंटर होता है और जो आर्टरीज और वेन्स है वो एंटर या लीव करती हैं, वो हिस्सा कहलाता है हाइलम। हाइलम बेसिकली दरवाज़ा होता है, ओपनिंग होती है जहाँ से लंग्स के अंदर एंट्री और एग्जिट होता है। बिल्कुल इसी तरह से किडनी के अंदर भी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो हाइलस कहलाता है। तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, कहाँ गया, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है जहाँ से ये एंटर हो रही है आर्टरी और वेन बाहर आ रही है और जहाँ से ये यूरेटर बाहर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइलस। अच्छा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर आप देखें तो डार्कर रीजन कॉर्टेक्स होता है, इनर रीजन जो है वो मेडुला होता है जो कि पिरामिड की शेप के अंदर होता है, और पेल्विस के बारे में बता चुका हूँ। ओके, अब आ जाते हैं नेफ्रॉन के ऊपर। नेफ्रॉन की जो डायग्राम है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉर्मली जो आप डायग्राम देखते हैं वो सीधी हुई भी होती है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये एज इट इज डायग्राम उठाकर दे दें और आपने कभी इस पर गौर नहीं किया हो, तो इसके पार्ट्स में जो मसला होगा, जहाँ मसला होगा वो मैं बताता हूँ। तो एक तो नेफ्रॉन के आपको सारे पार्ट्स पता होने चाहिए और हर पार्ट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की और न्यूरॉन की, तो मैंने पहले भी बताया था कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। न्यूरॉन जो है आपका वो एक सेल होता है, जबकि नेफ्रॉन एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली एक ट्यूब है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। तो ये डिफरेंस हो गया न्यूरॉन का और नेफ्रॉन का, ठीक है। हमारे पास जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, वो दोनों काम करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। हमने पीछे देखा था अर्थवर्म के अंदर भी जो मेटानेफ्रीडिया थे वो ये दोनों काम कर रहे थे। प्लेनेरिया के अंदर हमने देखा था कि खाली ऑस्मोरेगुलेशन कर रहे थे। तो हमारे अंदर जो किडनीज हैं वो दोनों काम करती हैं, वेस्ट को बाहर निकालने का भी और वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करने का भी। अब अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं डायग्राम के ऊपर ले जाता हूं आपको, यहां पर मैं दिखाता हूं। दिस इज डायग्राम, ठीक है, ये क्लोजअप डायग्राम है, ये पहला पार्ट है हमारे पास। अच्छा, इस पहले पार्ट को मिलाकर हम कहते हैं इसके अंदर ये दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड बॉमेंट्स, और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेल्फीजियन बॉडी, या इसके लिए एक और वर्ड भी होता है रीनल कॉर्पसल। अब सवाल यह है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है, और इसी वजह से ये जो कॉर्पसल है ना, रीनल कॉर्पसल या जो मेल्फीजियन बॉडी है, ये इतनी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं जिसकी वजह से आपको कॉर्टेक्स डार्क नज़र आता है। तो कॉर्टेक्स जो किडनी का आउटर रीजन होता है जो डार्क नज़र आता है, वो बेसिकली इन छोटे 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 दानों की वजह से डार्क नज़र आ रहा होता है। उसके बाद आपको बताया कि जो बॉमेंस कैप्सूल से पहली ट्यूब निकलती है कॉइल्ड, वो कहलाती है प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं बहुत क्लोज है, तो आपको एरो देखना है ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये कॉइल्ड होके इधर जा रही है, ये ट्यूब जो आपको नजर आ रही है ये दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये यहाँ तक का जितना भी हिस्सा है दिस इज कॉल्ड PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये आ रहा है लूप ऑफ हेनले, ये तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना इसका, ये डिसेंडिंग लिम है, फिर ये असेंडिंग लिम है ऊपर जाने वाला, और इसके बाद ये जो ट्यूब बन रही है जो दोबारा कॉइल हो रही है दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड इन द एंड ये आगे जाकर खुल रही है इस पाइप के अंदर, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ से सवाल क्या बन सकता है, एज इट इज डायग्राम दे दी जाए और किसी पार्ट को हाइड कर दिया जाए, स्पेशली किस पार्ट को हाइड करना चाहिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड को और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड को, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें से प्रॉक्सिमल कौन सी और डिस्टल कौन सी। अभी डायग्राम इतनी ज़्यादा जो है वो अजीब सी है कि बच्चे को समझ नहीं आएगा अगर उसने कभी इस डायग्राम के ऊपर गौर नहीं किया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता हूँ, मैं सारे नाम हटा दूँ और मैं जो है वो ABCD कर दूँ, ठीक है, इसको A कर दूँ, इसको B कर दूँ, प्रॉक्सिमल को इसको C कर दूँ, इसको D कर दूँ, और मैं आपसे पूछूँ कि भाई वो कौन सा पार्ट है कि जिसके अंदर मल्टीपल नेफ्रॉन्स आकर खुलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कलेक्टिंग डक वो पार्ट होता है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे नेफ्रॉन आकर खुलते हैं। ये जो आपको छोटी छोटी सी ट्यूब्स नज़र आ रही है, बेसिकली यहाँ से एक नेफ्रॉन आ रहा है, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन आ रहा है, यहाँ पे तीसरा नेफ्रॉन आ रहा है, ये एक नेफ्रॉन है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन आकर कलेक्टिंग डक में खुलते हैं, ये कॉमन डक होती है। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं क्या बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ इनके ऊपर आर्टेरियोल के ऊपर। देखिए, आपने पढ़ा है कि ग्लोमेरुलस के अंदर होता है ब्लड, अब ये ब्लड कहीं से आएगा और फिर ग्लोमेरुलस से गुजर के आगे जाएगा, तो आपको नजर आ रहा है ये वाला जो पाइप है इसमें एरो बना हुआ है कि ये ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर आ रहा है, तो आने वाला जो है ए से आने वाला ए से ये कहलाता है एफ्रन, तो आपको एरो देखना होगा कि कौन सा लेकर आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो पाइप है ये ब्लड को लेकर जा रहा है,
यानी एग्जिट कर रहा है ग्लोमेरुलस से, तो ई से एग्जिट और ई से इफ्रंट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको ये डायग्राम एज इट इज दे दी जाए, एरोज दे दिए जाए और इनको ए और बी कर दिया जाए, या इनको खाली कर दिया जाए और आपसे पूछ लो कि मैं भाई लेबल कर दें कि एफ्रंट आर्टेरियोल कौन सा है और इफ्रंट कौन सा है, या फिर ये जो पूरा का पूरा कैपिलरी नेटवर्क है, ये जो पूरा बिछा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, उसके बाद ये आपको नजर आ रही है एक ट्यूब जो कि इसके साथ गुजर रही होती है नीचे लूप ऑफ हेनले के साथ, दिस इज कॉल्ड वाजा रेक्टा, इसे सी कर देते हैं, और फिर आपको नजर आ रही है एक ब्रांच इधर जा रही है, जब ये इफ्रंट आर्टेरियोल आता है तो ब्रांच इधर जाती है, ये इसके साथ घूम रही है, किसके साथ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ, और ये दूसरी ब्रांच इसके साथ घूम रही है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ, ये कहलाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इन चारों को ए बी सी डी करके दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एफ्रंट है, कौन सी इफ्रंट है, कौन सी पेरिट्यूबुलर है। तो इस डायग्राम के अंदर से 3-4 सवाल जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। देन आपको फंक्शन पता होना चाहिए, इसी डायग्राम के अंदर आपको ये जो पार्ट्स हैं इनको ए बी सी डी करके दे दिया जाए और आपको मैं चार फंक्शंस दे दूं कि भाई मुझे बता दें। पहला मैंने दे दिया कि भाई फिल्ट्रेशन जो है वो किसका फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद मैंने दे दिया कि भाई रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किसका फंक्शन है, उसके बाद मैंने दे दिया कि सीक्रीशन कहाँ होती है, सेलेक्टिव सीक्रीशन जो है वो कहाँ होती है, और उसके बाद मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई फाइनल वाटर एडजस्टमेंट कहाँ होती है, फाइनल वाटर एडजस्टमेंट कहाँ होती है। तो आपको पता है फिल्ट्रेशन इस पॉइंट के ऊपर होती है, ठीक है, ग्लोमेरुलाय, और जो वो है ये अगर ग्लोमेरुलाय है और ये हमारे पास बॉमिन कैप्सूल है, तो ये दोनों मिलकर एक अदद फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है जिसके अंदर होल्स होते हैं, और यहाँ ब्लड है और यहाँ से फिल्टर होके जो फ्लूइड आता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, तो ये एरिया है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन इस लेवल के ऊपर हो जाएगी, इसको मैं नाम दे दूँ ए का। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ रीअब्जॉर्प्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन ओवरऑल होती है, ठीक है, ओवरऑल हर जगह पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद सीक्रीशन जो है ये दो जगहों पर होती है, एक पीसीटी पे यहाँ पे और एक डीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड और डिस्टल कॉन्वोलेटेड, एंड देन फाइनल वाटर एडजस्टमेंट यहाँ पर होती है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन इसी डायग्राम को लेकर हार्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है, तीन हार्मोन्स है जो कि वर्क करते हैं किडनी के ऊपर, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको, उन तीनों हार्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा हार्मोन कहाँ काम करता है, उसके बाद जब हम आएंगे तो मैं दोबारा उसे डिस्कस करूँगा। तो भाई ये पार्ट्स के नाम आपको पता हो गए, ठीक है, उसके बाद आपको इनके फंक्शंस पता हैं। कलेक्टिंग डक के बारे में मैंने बताया था कि ये रिसीव करती है नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसके अंदर आकर खुलते हैं, बाकी एफ्रन आर्टेरियोल, इफ्रन आर्टेरियोल, वाजा रेक्टा और पेरिटिबुलर कैपिलरीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी के ऊपर, जरा मैं हाईलाइट कर लूँ फिर मैं समझाता हूँ। चलो भाई बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी की। किडनी की हमारे पास जो रेगुलेटरी फंक्शंस है ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इस वक्त हमसे सुपरफिशियली बात करेंगे। ये वाला जो बॉक्स है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बाद में आता हूँ, मैं पहले ही मैं स्टेप्स बता दूँ। हमारे पास जो पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, ये जो पहला रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर फिल्ट्रेशन होती है। कहाँ होती है, मैंने आपको बताया था कि जो बॉमेंस कैप्सूल है, ये हमारे पास, क्या बिजली कड़की है यार, बारिश हो रही है और बहुत तेज़ जो है वो अभी आवाज़ आई है। खैर, हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर होती है, यानी बहुत छोटे लेवल के ऊपर जाके होती है। पहली बात ये कि इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चूज़ नहीं करना कि सिलेक्शन होगी, ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, यानी जो मॉलिक्यूल भी एलिजिबल होगा वो आकर जो है वो पास हो जाएगा, ब्लड से निकल के फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलाय है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलाय है और ये हमारे पास बॉमेंस कैप्सूल की वॉल है, ठीक है, ये बॉमेंस कैप्सूल की वॉल है। तो ये दोनों मिलकर बनाती हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और इसके अंदर मौजूद होते हैं होल्स और इन होल्स के ज़रिए जो है ये मॉलिक्यूल, यहाँ पर ब्लड है, यहाँ से गुजर के आते हैं यहाँ पे और जब ये यहाँ पर आ जाता है कुछ भी तो ये फिल्ट्रेट कहलाता है। तो ये वाला स्टेप जो है जो कि मेल्फीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल के लेवल के ऊपर होता है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है और ये मॉलिक्यूलर लेवल पर है और ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से क्रॉस करके आ जाएंगी ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर वो मॉलिक्यूल जो छोटा है वो यहाँ से क्रॉस करके आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट है जो सीव लाइक इन नेचर है, यानी इसमें छन्नी जो होती है घर में उसकी तरह है, तो ये परमिट करती है सारे मॉलिक्यूल्स को सिवाय दो, बुक के अंदर दो दिए हुए हैं, एक प्लाज्मा प्रोटीन, कौन कौन है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर आती है, इनका साइज़ बड़ा होता है इस वजह से नहीं आ पाती और कुछ नेगेटिवली चार्ज होती हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो साइज़ है आपके लेवल के ऊपर, खाली साइज़ भी अगर आप याद रख लें तो काफ़ी है, लेकिन एक और चीज़ होती है जो डिसाइड करती है वो है चार्ज।
क्योंकि इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है यहाँ से क्रॉस करने में। कर सकते हैं, कर भी जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो ईजिली क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई वो मैं अगर चार पांच चीज़ें दे दूं और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इनमें से कौन कौन सी चीज़ जो है वो क्रॉस करके आएगी फिल्ट्रेट के अंदर, तो आपने देखना होगा कि हर वो चीज़ जो साइज़ के अंदर छोटी है, लाइक मैं अगर पांच चीज़ें दे दूं, ग्लूकोज दे दूं, अमाइनो एसिड दे दूं, सोडियम दे दूं, क्लोराइड दे दूं, और अगर मैं दे दूं साथ में प्लाज्मा प्रोटीन, किसी एक प्लाज्मा प्रोटीन का नाम दे दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बड़ा है। इसके अलावा ब्लड के सेल्स, तीनों जो ब्लड के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा स्ट्रक्चर है, सेल जिसे आप कह रहे हैं बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है ये इस छन्नी को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो ब्लड से फिल्ट्रेट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, तो दो फैक्टर्स हैं जो कि इस फिल्ट्रेशन को करवाते हैं। एक तो इसके अंदर जो सीव लाइक वो हैं, होल्स हैं, जो कि छन्नी की तरह के होल्स हैं वो, और दूसरा जो दूसरी जो चीज़ जो ये फिल्ट्रेशन करवाने में हेल्प करती है वो है प्रेशर्स। अब ये प्रेशर क्या है, तो यहाँ तो अच्छा नहीं है, यहाँ बनाता हूँ मैं, यहाँ बनाते हैं। ये हमारे पास मौजूद है बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये बॉमेंस कैप्सूल है, यहाँ से बॉमेंस कैप्सूल है, फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये मेरे पास है ग्लोमेरुलाय, ठीक है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में और यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो ये वाला पाइप क्या कहलाएगा, ये एफरेंट होता है, और ये वाला जो पाइप है ये इफरेंट होता है, ठीक है, इस पाइप को थोड़ा मोटा बना देते हैं, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। तो होता क्या है, जो एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये ज़्यादा है, और इफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है ये कम है। तो इससे होगा क्या, ज़्यादा मटेरियल आएगा, कम मटेरियल जाएगा, जब कम मटेरियल जाएगा तो ज़्यादातर मटेरियल यही रहेगा, जब भी ज़्यादातर मटेरियल यहाँ पर रहेगा तो उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये प्रेशर जो है ये पुश करता है इस फ्लूइड को कैपिलरीज में से यहाँ पे इस बॉमेंस स्पेस के अंदर। तो ये जो है, ये जो प्रेशर वाला सीन है, ये जो है ये फिल्ट्रेशन करवाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि दो फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो सीव लाइक जो होल्स हैं उनकी वजह से फिल्ट्रेशन होती है, किस 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 के अंदर, ग्लोमेरुलाय की वॉल में, बॉमेंस कैप्सूल की वॉल में, और दूसरी चीज़ जो ये है कि इफरेंट आर्टेरियोल जो है, जो बाद वाला है, उसका डायमीटर कम है, किससे, इफरेंट आर्टेरियोल से। तो इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, यानी आने वाले पाइप का डायमीटर ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जो है वो फ्लूइड आ रहा है, और जाने वाला पाइप का डायमीटर कम है, तो कम फ्लूइड बाहर जा रहा है, इसका मतलब ज़्यादातर फ्लूइड यहीं दरमियान में है, तो ये जमा होता रहेगा, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जो कि फिल्ट्रेशन करवाता है। तो जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्रॉस करके चले जाएंगे, जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्रॉस करके नहीं जाएंगे। अब ज़रा देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो इसमें बताया हुआ है कि कितना लीटर ब्लड का जो है वो किडनी से गुजरता है। आपकी बॉडी के अंदर अराउंड 5 लीटर होता है, एडल्ट की बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, जबकि ये कह रहे हैं कि 1100 के करीब या 2000 लीटर के करीब जो ब्लड है वो फ्लो करता है किडनी से। जाहिर सी बात है ये पूरे दिन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पूरा ब्लड जो है वो कई बार किडनी से जो है वो गुजर कर आता है, तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है एक दिन के अंदर। अब यहाँ तक जो है, जो कैपिलरीज के अंदर है वो तो कहलाता है ब्लड, जब ये गुजर कर आ जाता है इधर बॉमेंस स्पेस के अंदर तब ये कहलाता है फिल्ट्रेट। कितना फिल्ट्रेट होता है भाई, 180 लीटर्स, यानी ये जितना ब्लड गुजरा है इसमें से 180 लीटर फ्लूइड जो है वो यहाँ पर आ जाता है, जिसे आप फिल्ट्रेट कहते हैं। अब सोचें आपकी बॉडी के अंदर है ही 5 लीटर, अगर पूरे दिन के अंदर जो 180 लीटर बन रहा है ये पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया जाए तो आपकी बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं। किडनीज जो एक्सक्रीट करती हैं वो करती हैं सिर्फ 1 से 2 लीटर यूरिन, और ये 1 से 2 लीटर वो होते हैं जो आप दिन भर में पीते हैं, यानी दिन भर में आप तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी जो है वो खाने की शक्ल में या फिर पानी की शक्ल में या जूस की शक्ल में जो है वो पी जाते हैं। तो ये वही पानी है जो इनपुट जाता है और यही आप जो है वो यूरिन की शक्ल में बाहर आता है। तो बाकी के अगर 2 लीटर निकाल लिया तो बाकी के जो 178 लीटर है इनका क्या होता है, तो इनका होता है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो फ्लूइड है, 180 लीटर जो फ्लूइड है, 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है, इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये ब्लड में शामिल होता है, फिर ब्लड दोबारा जाता है किडनीज के पास, किडनीज दोबारा फिल्टर करती हैं, फिल्ट्रेट में से दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इस तरह से ये साइकिल चल रही है। तो आपको ये डायग्राम बड़ी करके दी जा सकती है, ठीक है, ये वाला पार्ट बड़ा करके दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ब्लड के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें मौजूद थी। जब हमने फिल्ट्रेट देखा,
यहाँ इसको हमने एनालाइज किया तो उसमें से वन मौजूद था, इसमें टू मौजूद था, फोर मौजूद था और फाइव था, थ्री नहीं था। और नीचे स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल है ये हमें यहाँ पर नहीं मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा या फिर ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा कि जिसको गुजरने में जो है वो प्रॉब्लम हुई होगी। अब आ जाते हैं रीअब्जॉर्प्शन की तरफ। रीअब्जॉर्प्शन की क्या ज़रूरत है भाई? तो देखें, हमने बात की जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब हर वो चीज़ जो साइज़ में छोटी होगी वो गुजर के आ जाएगी। तो कुछ काम की चीज़ें भी होंगी जो बॉडी को चाहिए, जो ज़ाया नहीं करनी, और कुछ बेकार चीज़ें होंगी जिनका कोई काम नहीं है। तो अब हमने निकालनी है वो काम की चीज़ें जिनकी बॉडी को ज़रूरत है। अब आगे पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन है उसके अंदर ये रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन आप देखेंगे, हर जगह रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो पहला पोर्शन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ड्यूबुल, यहाँ पे काफ़ी हद तक रीअब्जॉर्प्शन होती है और वो एक्टिव होती है, यानी एनर्जी लगाकर की जाती है। यहाँ पे सारा का सारा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, ये सारे के सारे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी जो पहला पोर्शन है उसी के अंदर ये सारे के सारे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी अमाउंट वाटर का और सॉल्ट जो है वो भी रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। देन आगे डिसेंडिंग लिम आता है जिसके अंदर मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद असेंडिंग लिम आता है जिसके अंदर वाटर नहीं एब्जॉर्ब हो सकता, यहाँ से सॉल्यूट निकाले जाते हैं। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है जहाँ पे कुछ सॉल्यूट जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कुछ आयंस जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, स्पेशली कैल्शियम रीअब्जॉर्ब किया जाता है। एंड देन फाइनल पार्ट आता है कलेक्टिंग डक। कलेक्टिंग डक के अंदर फाइनल वाटर एडजस्टमेंट होती है। ये एक डायग्राम है, इससे थोड़ा बहुत शायद फ़ायदा हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ये ग्लोमेरुलस नहीं है, ये बोमेंस कैप्सूल है। ये हमारे पास यहाँ पर जो बन रहा है ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो ये एफ्रन आर्टेरियोल है, ये एफ्रन आर्टेरियोल है, ये बोमेंस कैप्सूल है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ तक, ठीक है। तो इसके अंदर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, इसको छोड़ दें। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है ये रीअब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम बाइकार्ब, ये भी ये रीअब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ग्रीन वाले एरो को भी छोड़ दें। उसके बाद ये डिसेंडिंग लिम है, इसके अंदर से पानी निकाला जा रहा है, या असेंडिंग लिम है, इसके अंदर से सोडियम क्लोराइड निकाला जा रहा है। ये हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन याद रख लें। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम एंड क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। इतना भी अगर याद रख लें तो काफ़ी है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो ट्यूबुलर सीक्रीशन आता है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको अगर एज इट इज़ डायग्राम उठाकर दे दें और इनमें से कुछ ऑप्शन दे दें, लाइक ग्लूकोज दे दिया, और अच्छा इनके ऊपर लेबल कर देंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको ए कह दिया प्रॉक्सिमल को, ए वाले पार्ट को बी कह दिया, ये वाले पार्ट को सी कह दिया, ये वाले पार्ट को डी कह दिया, और यहाँ पे ग्लूकोज दे दिया, अमाइनो एसिड दे दिया, ठीक है, सोडियम दे दिया, क्लोराइड दे दिया, कैल्शियम दे दिया, और आपसे पूछते हैं भाई इनमें से किसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ए पार्ट के अंदर होती है, किसकी बी के अंदर होती है, किसकी सी के अंदर होती है, या मैच वाला क्वेश्चन दे देंगे कि भाई मैच कर दें कौन सा पार्ट जो है वो क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब कर रहा है। देन वी हैव ट्यूबुलर सीक्रीशन। देखें, हमने कहा कि भाई कुछ काम की चीज़ें आ गई थी तो उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो काम की नहीं थी लेकिन वो यहाँ पर इस्केप कर गई थी। क्यों इस्केप कर गई थी? या तो मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा था, या फिर चार्ज का इशू था, या वैसे ही स्पीड ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो फिल्टर नहीं हो सकी और यहाँ से स्केप करके आगे चली गई। लेकिन ये वो मॉलिक्यूल है जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो इन्हें पकड़ पकड़ कर डाला जाता है यूरिन के अंदर। ये स्टेप कहलाता है ट्यूबुलर सीक्रीशन। ये दो जगहों पर होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये वाला जो पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस डायग्राम में दिखाता हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पर होता है। जबी इसका नाम क्या है? जबी इसका नाम है ट्यूबुलर सीक्रीशन। इन एरियाज़ के अंदर किन किन चीज़ों को डाला जाता है पकड़ के? पॉइजनस सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कुछ तो फिल्टर होकर आता है, कुछ को पकड़ के डाला जाता है, ठीक है। ये वो मॉलिक्यूल थे जो एस्केप कर गए थे। इसके अलावा इन्हीं एरियाज़ में हाइड्रोजन को और अमोनियम आयन को डाला जाता है। बॉडी में से हाइड्रोजन को कम करना होता है तो हाइड्रोजन को डाला जाता है। अगर ये काम ना हो तो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो हाइड्रोजन डाला जा रहा है, अगर वो ना डाला जा सके तो हाइड्रोजन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है जब भी हाइड्रोजन ब्लड में ज़्यादा होगा या हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा होता है तो इसका ताल्लुक पीएच के साथ उल्टा होता है। हाइड्रोजन के ज़्यादा होने से पीएच क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन के ज़्यादा होने से पीएच कम हो जाएगी, यानी ब्लड हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो यहाँ पर भी ये जो ग्रीन एरो है ये शो कर रहा है कि कोई चीज़ डाली जा रही है। एरो अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन डाला जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी डाला जाता है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन डाला जाता है, यहाँ पर पोटेशियम भी डाला जाता है और अमोनियम आयन भी डाला जाता है। तो ये आयन्स जो हैं ये डंप किए जाते हैं यहाँ पे ताकि उन्हें बॉडी से निकाला जा सके और उनका अमाउंट जो है वो बॉडी में कम किया जा सके।
इसके बाद है हमारे पास काउंटर करंट एक्सचेंज, ये मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। जैसे हम बात करेंगे दो तरह का काउंटर करंट सिस्टम है हमारे पास, एक को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक हमारे पास जस्ट काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर बेसिकली लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है। आपको पता है कि ये जो डिसेंडिंग लिम है इसमें से निकलता है पानी, और ये जो असेंडिंग लिम है इसमें से निकलता है सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो सोडियम और क्लोराइड है ये मेडला के अंदर ही है, ये वाला पार्ट जो है ये मेडला है। तो ये सोडियम और क्लोराइड जब तक मेडला के अंदर रहता है ये यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता रहता है। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इस कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से यहाँ से मोर वाटर निकलता है, फिर यहाँ से मोर सोडियम क्लोराइड निकलता है, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ती है, यहाँ से मोर वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये बेसिकली एक मल्टीप्लायर है जो कि मोर एंड मोर वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है काउंटर करंट सिस्टम जो कि वाजा रेक्टा का है। वाजा रेक्टा ये वो ब्लड की कैपिलरी है जो कि लूप ऑफ हेनले के साथ जारी होती है। आपको मैंने बताया कि डिसेंडिंग लिम से निकलता है पानी, डिसेंडिंग लिम से निकलता है पानी, ये जो पानी यहाँ पर निकल रहा है अगर ये यहीं पर पड़ा रहे तो यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये जो आपको कैपिलरी नज़र आ रही है डार्क कलर की जिसे वाजा रेक्टा कहते हैं, ये इस पानी को लेकर आगे चली जाती है ताकि मेडला से कम हो और यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, यानी हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगी उतना ज़्यादा मेडला जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकेगा। तो ये दोनों जो है ये मोर एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करवाते हैं। अच्छा, एक बात, जो यूरिन पास होता है बॉडी से वो हाइपरटॉनिक होता है टू बॉडी फ्लूइड, यानी अगर आप उसे कंपेयर करेंगे हमारी बॉडी के अंदर वाले फ्लूइड से तो यूरिन के अंदर हमारे सॉल्ट ज़्यादा होता है, पानी का अमाउंट कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बिकॉज वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेगुलेटरी फंक्शंस। नाउ ये एक छोटे से टॉपिक है, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स है, एक को हम कहते हैं कॉर्टिकल, ये कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, इनका छोटा सा लूप ऑफ हेनले होता है नन्ना सा, और एक होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इनका जो है ये लंबा लूप ऑफ हेनले होता है। अब इन दोनों की फंक्शनिंग जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। देखें, आपको हमने अभी हमने बात की थी काउंटर करंट मल्टीप्लायर की और काउंटर करंट एक्सचेंज की, तो वो लगा होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है। तो जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा उतनी ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होगी, जितनी ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होगी उतना ज़्यादा मेडुला कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जितना ज़्यादा मेडुला कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज़्यादा डिसेंडिंग लिम से पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है ये करवाते हैं मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं इनसे इतनी ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो किसी एनिमल को जितना ज़्यादा पानी बचाने की ज़रूरत होगी उसकी बॉडी के अंदर उतने ज़्यादा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होंगे। एक बच्चे का सवाल था, वो कह रहा था कि भाई क्या ये ऐसा होता है कि जब मैं फास्ट करूँगा यानी जब मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरी बॉडी के अंदर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, और जब मैं फास्टिंग नहीं करूँगा पानी ज़्यादा पीऊँगा तो वो कम हो जाएंगे और कॉर्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो नेफ्रॉन्स हैं ये इनका नंबर इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज तो हो सकता है अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन ये सेल जो है, ये सॉरी सेल कह रहा हूँ, नेफ्रॉन बेसिकली एक सेल नहीं है, नेफ्रॉन एक पूरी ट्यूब है। ये पैदाइश के वक्त जितने आपकी किडनीज़ के अंदर होते हैं ये उतने ही रहते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो एक तरह के नेफ्रॉन ज़्यादा एक तरह के नेफ्रॉन कम हो जाएंगे, ये फिक्स्ड हैं। इंसानों के अंदर तकरीबन 85% जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी सिर्फ 15% है। हम इस 15% के ऊपर ही जो है वो बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, जितना पानी बचाना है उतना पानी बचाने के लिए 15% काफ़ी है। किसके अंदर ज़्यादा होंगे 15% से? जो डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं जिनको पानी ज़्यादा बचाना होता है लाइक कैमल्स वगैरह, उनके अंदर 35% तक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स पाए जा सकते हैं, 35% तक, ठीक है। तो जितने ज़्यादा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा वाटर की कंजर्वेशन होगी, तो जिसके अंदर ज़्यादा डिमांड होती है पानी बचाने की उसके अंदर। तो आपको 5 एनिमल्स के नाम दिए जा सकते हैं, उनमें से पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से किसके अंदर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे। तो आपने देखना है कि जो डेजर्ट वाले एनिमल्स होंगे जिनको पानी ज़्यादा बचाना है उनके अंदर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा। नाउ दिस इज़ अबाउट द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। बहुत बहुत मुबारक हो, लाइट चली गई, ठीक है, बारिश ने अपना असर दिखा दिया। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं जो है वो लेक्चर बनाने के लिए बैठता हूँ बिल्कुल जो है वो शौक से खुशी से लेक्चर बनाने के लिए बैठता हूँ, बहुत मूड होता है और फिर ये काम हो जाता है, लाइट चली जाती है। खैर, फिलहाल तो लैपटॉप चार्ज है, तो जब तक चार्ज है और जब तक गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती मैं जो है वो बना लेता हूँ, इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, इस चार्ट के अंदर
आपको सब कुछ याद नहीं रखना, ठीक है? मैं बता दूं क्या चीज़ याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या है, तो यूरिन में सबसे ज़्यादा पानी है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि प्रोटीन और ग्लूकोज का अमाउंट यूरिन के अंदर कितना है। तो यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, ठीक है? ग्लूकोज तो सही है, प्रोटीन बिल्कुल जीरो नहीं होता, बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है, लेकिन आपके लिए याद रखना जीरो जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर किसी के यूरिन, ये हेल्दी की बात हो रही है, हेल्दी ह्यूमन की बात हो रही है, अगर किसी के यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट मिल रहा है तो चांसेस हो सकते हैं कि उसकी उसको जो है वो कौन सी बीमारी हो, उसको डायबिटीज़ हो। तो ये जो टेस्ट होता है जिसके अंदर हम यूरिन के अंदर कंपोनेंट्स देखते हैं वो कहलाता है यूरिन एनालिसिस, ठीक है? तो ये जो यूरिन एनालिसिस है या ये यूरिन एनालिसिस कहलाता है, ये डायग्नोसिस के लिए, डिफरेंट बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ग्लूकोज अपेयर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसे डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर प्रोटीन्स अपेयर हो रहे हैं, हमने पीछे डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स जो है वो चूँकि बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, तो वो इस छन्नी के थ्रू पास नहीं हो सकते। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो इस छन्नी के थ्रू पास नहीं हो सकते। तो अगर किसी की यूरिन के अंदर प्रोटीन का अमाउंट हमें ज़्यादा मिल रहा है, मैंने बताया बहुत माइनर अमाउंट मिलता है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है इसका मतलब उसकी किडनीज डैमेज हो रही हैं और उसकी जो छन्नी है यानी जो ग्लोमेरुलर जो कि फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है जो ग्लोमेरुलाई और बोमेंस कैप्सूल मिलकर बनाते हैं, वो छन्नी ख़राब हो रही है और किडनी उसकी डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन जो है फिल्टर होकर यूरिन के अंदर आ रही है, ठीक है? तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है पीएच। पीएच जो है वो यूरिन की 5 होती है, 5 का मतलब है एसिडिक, ठीक है? पीएच के चेंज होने से आपको इतना याद रखना है कि स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर स्टोन्स बनते हैं, तो कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच की वजह से बनते हैं, यानी अगर ये और ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, 5 से 4 हो जाए या 3 हो जाए, तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कुछ तरह के स्टोन्स। सिमिलरली अगर ये बेसिक की तरफ चली जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, तो कुछ स्टोन्स बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा पीएच अगर बढ़ रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था यूरिन की पीएच अगर बढ़ रही है का मतलब एसिडिक हो रही है, बढ़ रही है का मतलब बेसिक हो रही है, 5 से 6 हो रही है, 7 हो रही है, 8 हो रही है, इसका मतलब बेसिक हो रही है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हमने पढ़ा कि डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को सीक्रीट किया जाता है, बॉडी से निकाल के यूरिन में डाला जाता है। तो अगर यूरिन की अगर पीएच जो है वो एसिडिक नहीं हो रही, बेसिक हो रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन शायद नहीं आ रहा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा और ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाएगा। तो पीएच के अंदर चेंजेस आने से जो है ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ एक चीज़ अगर आप याद रखें, तो यूरिक एसिड याद रख लें, यूरिक एसिड का अमाउंट याद रख लें थोड़ा बहुत, क्योंकि यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो इससे चांसेस होते हैं कि स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। यूरिक एसिड के अपने स्टोन्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड के ज़्यादा अमाउंट की वजह से हो सकते हैं। नाउ किडनीज़ के बारे में आपको बताया कि ये दोनों तरह का काम कर रही है, ऑस्मोरेगुलेटरी भी यानी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस भी मेंटेन कर रही है, और एक्सक्रीटरी भी यानी जो है बॉडी से नाइट्रोजनस वेट जो है वो रिमूव कर रही है। तो किडनी दोनों तरह का ऑर्गन है। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के हार्मोन्स हैं जो कि किडनीज़ के ऊपर वर्क करते हैं हमारे पास। एक हमारे पास हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाउ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज ये टाई करता है इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो कि हार्मोन्स का टॉपिक जिस चैप्टर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन आ कहाँ से रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए ये हार्मोन वर्क कहाँ करता है नेफ्रॉन पे, ऑल्दो ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये हार्मोन जो है ये फंक्शन क्या करता है। तो पहला हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। कहाँ से आता है? ये ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर ये आपकी आँख है तो आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन के बेस के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है? ये ब्रेन है, ब्रेन के बेस पे यहाँ पर ये मौजूद होता है। तो ये इसका एक अगला पार्ट होता है, ये एंटीरियर है, और ये पिछला पार्ट है, ये पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर से 2 ही हार्मोन आते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक ADH। तो ऑक्सीटोसिन हम बाद में पढ़ेंगे, ADH जो है ये आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये वर्क करता है कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो कलेक्टिंग डक्ट जो कि लास्ट पोर्शन है, जहाँ पे फाइनल वाटर की एडजस्टमेंट होती है, ये वहाँ पर जाकर वर्क करता है। क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना, ठीक है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके लिए स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस आपको कैसे पता होगा? जब आपको फंक्शन पता होगा, भाई इसका काम क्या है? वाटर को बॉडी में बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा और यूरिन में वाटर कम जाने देगा। तो ये रिलीज कब होगा? इसके लिए स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है डिक्रीज वाटर। बॉडी के अंदर जब वाटर डिक्रीज होगा, वाटर डिक्रीज होने का पता कैसे लगता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ब्लड के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सॉल्यूट बढ़ गए, इसका मतलब पानी का अमाउंट
कम हो गया, यानी ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। तो जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है ब्लड का, यानी डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, सॉल्यूट बढ़ रहे हैं, तो ADH आएगा। ADH क्या करेगा, नेफ्रॉन के पास जाएगा, कलेक्टिंग डक के पास, और वहाँ पर जाकर उसको बोलेगा कि भाई पानी ज़ाया नहीं करो और पानी जो है वो बचाओ। तो ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा, और जो यूरिन पास होगा वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो सुबह सुबह तो आपकी बॉडी में पानी होता है, लेकिन अफ्तार से पहले, बिल्कुल अफ्तार से पहले आपकी बॉडी का सारा पानी जो जा चुका होता है, ठीक है, सारा पानी जो है वो दिन भर के काम से कुछ ज़ाया हो चुका होता है और पानी की कमी होती है बॉडी के अंदर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ा हुआ होता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, तो ADH बहुत जो है वो ADH जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, ये जाता है नेफ्रॉन के पास, बहुत ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो जो यूरिन पास होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, पानी कम होता है उसके अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे हार्मोन के ऊपर जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन आता है कहाँ से, किडनी के ऊपर हमने एक ग्लैंड पढ़ा था जिसका नाम था एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड को अगर आप काट के देखें तो इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक आउटर रीजन है जो डार्क होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर रीजन होता है जिसे मेडुला कहते हैं। तो ये आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। इसके लिए स्टिमुलस क्या होगा, तो इसके लिए आपको इसका फंक्शन देखना पड़ेगा। फंक्शन होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यानी ये नेफ्रॉन से सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टिमुलस क्या होगा, स्टिमुलस होगा लो सोडियम। बॉडी के अंदर जब लो सोडियम होता है या बॉडी के अंदर पानी जब ज़्यादा होता है, देखिए पानी ज़्यादा होगा तो सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उतना कम सोडियम नज़र आएगा। तो सोडियम का अमाउंट कम होगा या पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो सोडियम की कमी में एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होगा, और एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज़ होगा तो ये जाएगा नेफ्रॉन के पास, और नेफ्रॉन के पास जाने के बाद ये जो है ये नेफ्रॉन को बोलेगा कि ज़्यादातर सोडियम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जो है उसे रीअब्सॉर्ब किया जाए, ताकि बॉडी के अंदर सोडियम की कमी को पूरा किया जा सके। थर्ड जो हमारे पास हार्मोन है उसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थायरॉयड ग्लैंड। ये जो थायरॉयड ग्लैंड है इसके पीछे चार छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं। अगर हम थायरॉयड सपोज कर लें, हम थायरॉयड, ये थायरॉयड को मैंने उल्टा किया हुआ है, तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये चार जो है ये थायरॉयड के पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। इनसे हार्मोन आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका काम है इंक्रीज करवाते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो ये कब रिलीज होगा, इसके लिए स्टिमुलस क्या होगा, लो कैल्शियम। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट लो होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन आएगा, ये जाएगा नेफ्रॉन के पास, नेफ्रॉन के अंदर जाएगा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास जाएगा, और वहाँ पर जाकर पैराथायरॉयड कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा। एल्डोस्टेरॉन जो है ये भी जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास और कलेक्टिंग डक के पास, और वहाँ पर जाकर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन्स वर्किंग ऑन किडनी। तो डायग्राम आपको दी जा सकती है, ठीक है, ये डायग्राम आपको दी जा सकती है, आपको ये तीनों हार्मोन्स दिए जा सकते हैं साइड में, और इनको लेबल किया जा सकता है ए बी सी और डी, और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो ए के ऊपर वर्क करता है, कौन सा हार्मोन बी के ऊपर, कौन सा हार्मोन सी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ वी हैव अ टॉपिक जो कि किडनी प्रॉब्लम्स है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट खैर देखते हैं कब तक चलाया जा सकता है इसे। चलो भाई, किडनी प्रॉब्लम्स जो है ये टेस्ट के हवाले से ऐसा जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देख लेते हैं कुछ क्या पूछा जा सकता है। तो आपको पता है तीन तरह के स्टोन्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मोस्ट कॉमन से लेस कॉमन की तरफ चले जाएँ, ठीक है। तो आपको तीन तरह के स्टोन दिए जा सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट वाले, ठीक है, या कैल्शियम फॉस्फेट वाले स्टोन्स हैं। उसके बाद दूसरे स्टोन जो हैं आपके वो इन्फेक्टिव हैं, जिन्हें आप कहते हैं अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट AMP स्टोन्स कहलाते हैं, या इन्हें स्ट्रोवाइड भी कहते हैं। और तीसरे स्टोन्स जो हैं ये यूरिक एसिड के हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लेफ्ट से राइट जो है ये मोर कॉमन है या लेस कॉमन है, या जो है वो क्या इनके बारे में है, तो ये पूछा जा सकता है इसमें से, ठीक है। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ कैल्शियम ये पूछा जा सकता है आपसे कि बॉडी, किसी की बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ कैल्शियम है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो किस वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको बताया कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका काम है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना,
सपोज कर लें कि किसी के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। जब उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहेगा तो यही कैल्शियम जो है ये जाएगा यूरिन के अंदर, और जब यूरिन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो नॉर्मल अमाउंट ऑक्सलेट का और नॉर्मल अमाउंट फॉस्फेट का होगा, उसके बावजूद स्टोन्स बन जाएंगे। तो सिनेरियो बना के दिया जा सकता है कि भाई एक शख्स के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है तो उसके अंदर कौन से स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सलेट से रिलेटेड ऑक्सैलिक एसिड जो है ये नॉर्मली तो कम अमाउंट के अंदर होता है, लेकिन इन फूड्स की वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो है ये ज़्यादा जो है बॉडी के अंदर आ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक शख्स के जिसका जो है वो जिसकी डाइट के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अब आप बता दें कि उसके अंदर कौन से स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्फेक्टिव स्टोन्स के ऊपर ऐसा कोई खास बात नहीं है। यूरिक एसिड के स्टोन्स, यूरिक एसिड के स्टोन्स में क्या खास है भाई, तो ये जो यूरिक एसिड बनता है ये बेसिकली उससे बनता है, हमारे जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, उन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके ब्रेकडाउन से बनता है। तो जिन लोगों के अंदर सेल्स बहुत तेज़ी से मर रहे होते हैं, डीएनए बहुत तेज़ी से टूट रहा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स बहुत तेज़ी से टूट रहे होते हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड स्टोन्स के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, सेल्स का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, सेल्स बहुत तेज़ी से मर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया का पेशेंट है या किसी और कैंसरस कंडीशन का पेशेंट है तो उसके अंदर कौन से स्टोन्स बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। देन वी हैव लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी के बारे में सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी कि भाई ये वो मेथड है कि जिसके अंदर बिना सर्जरी के बॉडी के बाहर से वेव्स के जरिए जो है वो स्टोन्स को तोड़ा जाता है ताकि वो यूरिन के अंदर पास आउट हो जाए। इससे रिलेटेड और कोई खास बात नहीं है, ठीक है, ये बस इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, कहाँ है भाई, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, ये पूछी जा सकती है। रीनल फेलियर इससे रिलेटेड भी कुछ खास नहीं है, सिम्टम्स वगैरह भी नहीं, इससे रिलेटेड कुछ खास नहीं है, रीनल फेलियर को भी नहीं पूछा जाएगा टेस्ट के अंदर। डायलिसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है कि भाई ये आर्टिफिशियली जो है वो फिल्टर करने का प्रोसेस है, तो ये पूछा जा सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दो टाइप्स हैं इसकी, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल। इससे रिलेटेड भी ऐसा कोई खास क्वेश्चन जो है वो बनता नहीं है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि भाई वो तरीका कि जिसके अंदर ब्लड को बॉडी से निकाला जाता है और मशीन के जरिए गुजारा जाता है वो क्या कहलाता है, हीमो कहलाता है या पेरिटोनियल कहलाता है, तो आपको पता है वो हीमोडायलिसिस कहलाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड और कोई खास जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर ये पूछा जा सकता है कि भाई अगेन डेफिनेशन कि वो तरीका कि जिसके अंदर एब्डोमिनल इंसिजन लगा के एक फ्लूइड को बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि वेस्ट को रिमूव किया जा सके वो क्या कहलाता है, या एक तरीके से ये पूछा जा सकता है कि वो डायलिसिस का तरीका कि जिसके अंदर बॉडी की लाइनिंग को इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल लाइनिंग को इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन के तौर पे, वो तरीका क्या कहलाता है। तो आपको पता है इसको डाला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में जहाँ पर एक अदद मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, जिसकी वजह से ये कैविटी पेरिटोनियल कैविटी भी कहलाती है, और यही पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है ये एक्ट करती है एज अ मेम्ब्रेन। जो हीमोडायलिसिस है इसके अंदर एक अदद आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगी होती है, ये यहाँ पर मेम्ब्रेन लगी हुई है, एक तरफ एक तरह का फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं डायलिसेट और एक तरफ ब्लड गुजर रहा होता है। इस डायलिसेट के अंदर जो है ये कचरा वगैरह नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, तो ब्लड से जितना भी कचरा होता है, जितने भी ख़राब मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रॉस करके चले जाते हैं। जबकि जो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ये बेसिकली बॉडी की एक नेचुरल मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। अदर देन दैट इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड भी जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चलो भाई लास्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, इसको कवर करते हैं और ये चैप्टर निपटाते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन के अंदर सबसे पहले आपको ये रेंज पता होनी चाहिए एक्टिव लाइफ के टेम्परेचर की, ठीक है, 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इस रेंज के अंदर सर्वाइव करते हैं। हालांकि कोई पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको बताया कि हमारे यहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से ये रेंज याद रख लें। उसके बाद की थोड़ा सा टॉपिक है प्लांट्स से रिलेटेड कि प्लांट्स कैसे कोप करते हैं लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। इसमें याद क्या रखना है, लो टेम्परेचर का नुकसान क्या है, फ्लूइड नेचर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो अफेक्ट होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है चीज़ों का अंदर आना और बाहर जाना ये मुतासर होती है। हाई टेम्परेचर क्यों हार्मफुल है, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। लो टेम्परेचर को बचाने लो टेम्परेचर के अंदर बचने के लिए क्या करते हैं, एक तो इंक्रीज करते हैं प्लांट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मैं बता चुका हूँ इससे क्या होता है, और दूसरा फ्रीजिंग टॉलरेंस जिसके अंदर फ्रक्टोज का पॉलीमर बनाते हैं जिसे आप फ्रक्टेंस कहते हैं, ठीक है, ये क्या करता है आइस क्रिस्टल्स बनने से रोकता है।
कैसे रोकता है, क्या करता है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि ये फ्रक्टेंस जो है ये फ्रीजिंग टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, ये आइस क्रिस्टल्स बनने नहीं देता। तो साइटोप्लाज्म ठंडा होता रहता है लेकिन उसके अंदर वो जमता नहीं है। हाई टेम्परेचर से कैसे बचते हैं, पहला काम है ट्रांसपायरेशन, 40 डिग्री तक, 40 डिग्री के बाद एक तरह की प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें शीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। ये पूछते हैं आपसे क्या, अब 40 डिग्री प्लांट जो प्रोटीन बनाते हैं उनका नाम क्या है, तो ये सैक्रिफाइसिंग प्रोटीन होती है, सारी हीट एब्जॉर्ब करके खुद जो है वो मर जाते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में, तो शाइनी क्यूटिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से कुछ जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लीफ का सर्फेस एरिया स्मॉल हो सकता है, उसे विल्ट करवाया जा सकता है ताकि सनलाइट ना पड़े उसमें। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अडेप्टेशन इन हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चारों दे देंगे और इसके साथ ये दे देंगे कि भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ाना, तो आपको बताना चाहिए कि ये सर्दियों में होता है, ये गर्मियों में नहीं होता। अब आ जाते हैं थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन होती है, इसके अंदर कुछ टर्म्स है हमारे पास, ये आपको बताने चाहिए। पोईकिलोथर्म जिन्हें कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है, एनवायरमेंट पर डिपेंडेंट होता है, और होमियोथर्म जिन्हें वार्म ब्लडेड कहते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है लाइक अस। अब जो ये टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती है, अब जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो एक्टोथर्म है और एंडोथर्म है। एक्टोथर्म वो होते हैं जो एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर के लिए, और एंडोथर्म वो होते हैं जो कि अपना इंटरनली हीट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि भाई ये स्टेटमेंट किसको डिफाइन करिए। फॉर एग्जांपल मैं ये एनिमल कह रहा हूँ, मैं ये स्टेटमेंट दे दूँ कि भाई दोज एनिमल्स कहाँ गया, दोज एनिमल्स हु एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम देयर एनवायरमेंट दे आर लेबल्ड एज। तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई क्या कहते हैं उन्हें, एक्टोथर्म कहते हैं, पोईकिलोथर्म कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म भी है, दैट इज कॉल्ड हीटरोथर्म। ये आपको लाजमी पता होने चाहिए क्योंकि ये वो एनिमल्स हैं जो कि वेरिंग डिग्री की हीट जो है वो जनरेट करते हैं, तो इनका टेम्परेचर एक भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करता, एक छोटी सी रेंज होती है जिसके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल इंसानों का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, ये इतना ही रहेगा, पानी में चले जाओ, आग में चले जाओ, इतना ही रहेगा। जो एक्टोथर्म्स हैं उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है उसके हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो हीटरोथर्म है, सपोज कर लें कि ये कुछ रेंज है जिसके अंदर ये अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 98 पे भी रख सकते हैं फिक्स, 99 पे भी रख सकते हैं फिक्स, 100 पे भी रख सकते हैं फिक्स, 101 पे भी रख सकते हैं फिक्स। तो ये वेरी भी कर रहा है और ये एक पॉइंट के ऊपर फिक्स भी रख सकते हैं, तो ये कहलाते हैं हीटरोथर्म्स। ये दो एग्जांपल आपको लाजमी पता होने चाहिए। आपको पांच एनिमल के नाम दे दूंगा मैं और उसमें बैट होगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये जो बैट है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या हीटरोथर्म की एग्जांपल जो है वो इनमें से कौन सी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनिमल्स के नाम या एनिमल्स की पूरी कैटेगरी दी जा सकती है, इनके अंदर तो पूरी एनिमल्स की कैटेगरी दी जा सकती है। मैं दे दूं आपको फिशेस दे दूं, बर्ड्स दे दूं, मैमल्स दे दूं, और मैं आपसे पूछूं इनमें से एक्टोथर्म कौन है, तो आपको बताना चाहिए कि कौन सी क्लास जो है, एम्फीबियंस जो है आपके वो, और फिशेस जो है आपकी वो, और रेप्टाइल्स भी आपके जो है वो एक्टोथर्म होते हैं, जबकि मैमल्स और बर्ड्स जो हैं ये एंडोथर्म्स होते हैं। इसके बाद टेम्परेचर को रेगुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है बिहेवियर चेंज करके और एक होता है जो बॉडी खुद से करती है जिसे हम फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कहते हैं। बिहेवियर में क्या है, लोकेशन चेंज हो सकती है, सन के नीचे जा सकते हैं, सन से दूर जा सकते हैं, पत्थर के नीचे अपने आप को सिकाई कर सकते हैं, ठीक है, ठंडा एरिया जो है वो तलाश कर सकते हैं, पानी के अंदर जा सकते हैं, ये तमाम बिहेवियरल होते हैं। कौन करता है ये, दोनों तरह के एनिमल्स, एक्टोथर्म भी करते हैं और एंडोथर्म भी करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, एक्टोथर्म यही कर सकते हैं, इनको और कुछ नहीं आता, ये अंदर से कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके पास ये वाला रिस्पांस नहीं होता, फिजियोलॉजिकल नहीं होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। एंडोथर्म जो है ना, ये बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं और ये फिजियोलॉजिकली अंदर से भी रेगुलेट कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर। तो ये बात आपको लाजमी पता होना चाहिए कि एक्टोथर्म एक ही तरीके से काम कर सकते हैं सिर्फ बिहेवियर चेंज करके, एंडोथर्म बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं और फिजियोलॉजिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, ये एनिमल के अपने इख्तियार में नहीं होता, ये बॉडी खुद से डिसाइड करती है। क्या है भाई, ब्लड सर्कुलेशन में चेंज है, मेटाबॉलिज्म के रेट में चेंज है, कूलिंग एवापोरेटिव जो मुझे हो रही है अभी मुसलसल गर्मी की वजह से स्वेटिंग हो रही है, और एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल जो सर्दियों में होता है, शिवरिंग होती है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं थर्मोरेगुलेशन मैमल्स के अंदर, स्पेसिफिकली मैमल्स के अंदर, और खासतौर पर इंसानों की बात हो रही है, बट ओवरऑल मैमल्स की बात हो रही है। तो ये हमारे पास रेंज है एंडोथर्म्स की, इसमें मैमल्स जो हैं उनका जो रेंज है वो 36 टू 38 है, यानी मैमल्स ज़्यादातर इस टेम्परेचर के अंदर होते हैं, और बर्ड्स 41 टू 43 है, ठीक है, ये रेंज याद रख लें। अच्छा, एक हमारे पास ये चीज़ याद रखनी कि ब्राउन फैट कुछ मैमल्स के अंदर, नेक रीजन के अंदर और शोल्डर के अंदर एक तरह का स्पेशलाइज फैट होता है। वैसे फैट का कलर येलोइश या वाइट होता है, बट ये ब्राउन फैट है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है पावर हाउस, इसे कहते हैं ATP प्रोडक्शन। तो ये जो फैट है ये बहुत तेज़ी से टूटता है और इससे ATP प्रोडक्शन होती है, तो ये भी जो है वो हीट जनरेशन के काम आता है सर्दियों के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास पहले है कोल्ड टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, तो दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस हैं, फिजियोलॉजिकल हैं और आगे हमारे पास बिहेवियरल हैं। तो पहले बिहेवियर देख लें, सर्दी के अंदर क्या करेंगे भाई, वार्मर लोकेशन पहले चले जाएंगे, हडलिंग क्लोज टुगेदर, ठीक है, जो एनिमल घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो ये तो आप समझ जाएंगे कि बिहेवियर कौन सा है।
तो आपको चार बिहेवियर देके एक बीच में फिजियोलॉजिकल घुसेड़ा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा ऑड वन है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन का तरीका होता है कि पिक द ऑड वन आउट, ऑड वन का मतलब जो थोड़ा अलग है वो निकाल दें। या आपको चार फिजियोलॉजिकल दे के पूछे जा सकते हैं कि भाई बिहेवियरल जो है वो इसमें से एक बिहेवियरल दे दिया और चार फिजियोलॉजिकल दे दिया और आपसे बोलेंगे भाई जो अजीब सा लग रहा है उसे निकाल दें। तो पहले बात करते हैं कूल टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं। अब ये दो तरीके हैं, नॉन शिवरिंग बिना कांपे और शिवरिंग, ठीक है। शिवरिंग बड़ा आसान है, शिवरिंग के अंदर क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है क्योंकि एटीपी टूटता है तो उससे हीट मिलती है। तो आपको जो कपकपाहट होती है वो बेसिकली बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है सर्दियों के अंदर ताकि उससे हीट जनरेट हो सके। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो बढ़ाया जाता है, मेटाबॉलिक रेट जो बढ़ाया जाता है वो दो तरह से किया जाता है, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो ये आपको याद होना चाहिए, हार्मोन शॉर्ट टर्म अगर बढ़ता है मेटाबॉलिक रेट तो वो एड्रेनलिन बढ़ाता है। एड्रेनलिन कहाँ से आता है, यह आता है एड्रेनल ग्लैंड से, अभी जो आपने पीछे पढ़ा था। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से नहीं आता, यह एड्रेनल ग्लैंड के बीच वाले पार्ट से आता है जिसे मेडुला कहते हैं, एड्रेनल मेडुला, या इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बढ़ रहा है तो ये थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन थायरॉइड ग्लैंड से आता है जो कि बटरफ्लाई शेप ग्लैंड था नेक के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं नॉन शेविंग की, बिना कांपे क्या क्या हो सकता है। तो ये आपको तीनों चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। इरेक्शन ऑफ हेयर, बाल खड़े हो जाते हैं, इसका जो मसल है वो आपको पता होना चाहिए। इरेक्टर पाइली मसल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से जो हमारे हेयर हैं वो सीधे हो जाते हैं, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकल हो जाते हैं। तो ये एयर को ट्रैप करते हैं जिसकी वजह से। अच्छा, ये उन एनिमल्स के अंदर ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो फरी हैं, जिनके बहुत ज़्यादा फर होते हैं। हमारे इंसानों के अंदर तो बहुत ज़्यादा बाल नहीं होते तो हमारे अंदर ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, बट हमारे अंदर भी होता है। उसके अलावा रिडक्शन इन द फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड स्किन, स्किन की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसको, उसका अमाउंट कम किया जाता है। कैसे, वेजो कंस्ट्रिक्शन की जाती है। अगर ये आर्टेरियोल है जो पहले इतना बड़ा था तो इसको छोटा कर दिया जाएगा, जब ये छोटा हो जाएगा तो कम ब्लड फ्लो होगा, जब कम ब्लड फ्लो होगा तो कम हीट ये लॉस होगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को टाई कर सकता हूँ चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। मैं अगर आपसे पूछूँ कि सर्दियों के अंदर जो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके अंदर आर्टरीज का या आर्टेरियोल की कौन सी लेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, या कौन सी लेयर जो है वो फंक्शन कर रही है, तो आपको पता होगा कि आर्टरीज जो है उनकी तीन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, फिर ट्यूनिका मीडिया होती है, और आखिर में ट्यूनिका इंटरना होती है। तो ये एक्सटर्ना है, ये मीडिया है, और ये इंटरना है। तो मीडिया वो लेयर होती है जिसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से आर्टेरियोल्स का डायमीटर जो है ये कम हो जाएगा। इसके अलावा सबक्यूटेनियस फैट एक्युमुलेशन, कुछ एनिमल्स जो हैं पर्टिकुलरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर सर्दियों में फैट का अमाउंट बढ़ा देते हैं जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एनिमल्स हैं कि जिनके अंदर ये सबक्यूटेनियस फैट एक्युमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है। अब सवाल क्या दे दूँ मैं आपको ये तीनों दे दूँ, इरेक्शन ऑफ हेयर, वेजो कंस्ट्रक्शन और सबक्यूटेनियस फैट एक्युमुलेशन, और चौथा दे दूँ वेजो डायलेशन, और फिर मैं आपसे पूछ लूँ ऑड वन निकाल दें, या आपसे मैं पूछ लूँ कि विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो वेजो डायलेशन जो है ये गर्मियों में की जाती है, ये सर्दियों में नहीं की जाती, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, हॉट टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं मैमल्स भाई। तो अगेन एक बिहेवियर है जिसके अंदर कूलर लोकेशन पे ले चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे, इंसान जो है वो थिन कपड़े पहन लेंगे। और एक है हमारे पास फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल में उसके उलट होंगे, बाल जो हैं वो हाथों और पैरों के वो खड़े नहीं होंगे, वो लेट जाएंगे, लोअर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसुलेशन नहीं मिलेगी, सबक्यूटेनियस फैट कम हो जाएगा, एवेपोरेशन जो कि स्वेटिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जिनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं, कुछ मैमल्स हैं जिनके अंदर स्वेट ग्लैंड या तो होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं, लाइक डॉग है, तो वो क्या करते हैं, वो पेंटिंग करते हैं। आपने देखा होगा मुंह खोल के बहुत तेज से सांस ले रहे होते हैं, इसे पेंटिंग कहते हैं, इसे हांफना कहते हैं। ये भी क्योंकि जब सांस बाहर जाती है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कभी कि जो एयर जो बाहर आती है लंग से वो वार्म होती है, तो वो बेसिकली बॉडी की हीट लेकर आती है। तो जितना तेज़ी से एक्सपायरेशन होगी, जितना बार बार एक्सपायरेशन होगी, उतना बॉडी से हीट लॉस होगी। इसके अलावा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो डिक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं जिनके अंदर बॉन्ड टूटते हैं तो हीट जनरेट होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसे यहाँ से टाई करना चाहूँ, ये जो मैंने आपको बताया कि गर्मियों के अंदर मेटाबॉलिज्म कम किया जाएगा और सर्दियों के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया जाएगा, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्या लंग्स को फ़र्क पड़ेगा, क्या किडनीज़ को फ़र्क पड़ेगा, क्या इंटेस्टाइन को फ़र्क पड़ेगा, क्या हार्ट को फ़र्क पड़ेगा, कौन सा ऑर्गन है जिसको मेटाबॉलिज्म कम या ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ेगा, तो अभी मैं पीछे पढ़ा कर आया हूँ आपको, लिवर।
लिवर जो है ये थर्मोरेगुलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिनके नतीजे में हीट जनरेट होती है, और जब यहाँ से ब्लड गुजरता है तो वो हीट ब्लड में चली जाती है, और जब ये ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो हर जगह वो हीट सप्लाई करता है। तो लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म को कम या ज़्यादा किया जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो एड्रेनालिन, लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो थायरॉक्सिन। ठीक है, तो ये बातें पता होनी चाहिए। द लास्ट वन इज रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मोरेगुलेशन। हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का एक पार्ट है, चैप्टर 3 के अंदर भी है। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन है, एक फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन, इसे थर्मोस्टेट कहते हैं। बेसिकली अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है, जो बॉडी खुद से डिसाइड करती है, खुद से परफॉर्म करती है, तो ये कंट्रोल कहाँ से होते हैं, कौन इन्हें ऑन करता है, कौन इन्हें ऑफ करता है, तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने एक अदद टेम्परेचर सेट किया हुआ है कि भाई टेम्परेचर बॉडी का इतना होना चाहिए, जो कि हमारा 98.6 है या 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये कहलाता है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट से आगे पीछे जब भी टेम्परेचर होता है तो ये हीट को कंजर्व करने के या हीट को लॉस करने के मैकेनिज्म स्टार्ट करवा देता है। अब सवाल ये कि हाइपोथैलेमस को पता कैसे लगता है, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास जो थर्मोरिसेप्टर है वो बताते हैं, जैसा कि यहाँ लाइट गई हुई है तो स्किन के जो रिसेप्टर हैं थर्मोरिसेप्टर, वो मुसलसल बता रहे हैं कि भाई गर्मी हो रही है जिसकी वजह से मेरा हाइपोथैलेमस एक्टिव है और मुझे स्वेटिंग हो रही है। और दूसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस खुद भी चेक कर रहा होता है, जो ब्लड ब्रेन से गुजर रहा है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेक करता रहता है कि भाई टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होता है तो ये स्टार्ट कर देता है प्रोसेसेस। द लास्ट वन इज फीवर। फीवर या पायरेक्सिया, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एनी टेम्परेचर अबव नॉर्मल सेट पॉइंट, इससे ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा वो पायरेक्सिया कहलाता है, इन्फेक्शन के अंदर हो जाता है। हमारी बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, इम्यून सिस्टम के, जो कि कुछ केमिकल रिलीज करते हैं पायरोजन, ये जाके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो ये था रिव्यू चैप्टर नंबर 1 का होम्योस्टेसिस का। उन बच्चों को काफ़ी फायदा हुआ होगा जिनकी बायोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, या जो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं है, जो इंस्टीट्यूट के अंदर है उन्हें वहाँ के टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया होगा और अच्छा सा रिव्यू दिया होगा, तो उन्हें शायद इतना ज़्यादा फायदा ना हुआ हो, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इससे फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे, बाकी चैप्टर्स जो हैं जो मैं कंप्लीट करा चुका हूं, उनका मैं इंशाल्लाह रिव्यू डालूंगा। अच्छा, एक और बात, ये चूँकि बड़ा चैप्टर था तो इसका रिव्यू 3 वीडियोज़ के अंदर आया है। जो छोटे चैप्टर्स होंगे उनका रिव्यू एक ही वीडियो के अंदर, आधे घंटे की वीडियो के अंदर या 45 मिनट की वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, बट बड़े चैप्टर्स जो हैं उनका जो है वो रिव्यू थोड़ा सा लंबा होगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं वीडियो। ठीक है जी, चलिए भैया, अल्लाह हाफिज़।